हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। तो दोस्तों, आज एक प्रॉब्लम हो गई है। शाम को मेरे को काम पड़ा, बाइक मेरी खड़ी थी घर के बाहर। मैंने कहा चलो बाइक से जाते हैं। तो मैं जब जैसे ही बाइक के पास गया तो मुझे कुछ पता है क्या दिखा, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो चीज़ देख के मेरा बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, एक साल में ऐसा नहीं हुआ तो पहली बार कैसे हो गए। बहुत गुस्सा भी आया था मेरे को ये देखने के बाद। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मेरी बाइक के साथ क्या हुआ था। तो कुछ ऐसा हुआ है मेरी बाइक के साथ, ये देख सकते हो। इसकी विंडशील्ड टूट चुकी है, इसके नट भी यहाँ से टूट चुके हैं। ये देखो, देखो इसके नट यहाँ से टूटे हुए हैं, ये देखो। एंड ये नट, एंड यहाँ पे भी देखो स्क्रैच मार दिया, ये देखो अच्छा खासा स्क्रैच आ गया है। एंड ठीक तो ये क्योंकि ये टूटा नहीं है। एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या था। हमारे यहाँ पे अगल बगल यहाँ पे काफ़ी ठिलियाँ खड़ी रहती हैं, जो सामने सब जेबची लगाते हैं, खड़ी कर जाते हैं। तो मेरी बाइक यहाँ खड़ी थी, उनकी लापरवाही की वजह से जो भी हुआ है, उन्होंने ठिलिया वालों ने मेरी बाइक हटाने के चक्कर में टक्कर मार दी, जो कि संभल पाई नहीं होगी तो घुस गई होगी, या फिर कुछ और रीज़न भी हो सकता है। ऊपर से बंदर अंदर गिर गए हैं उस पर। बंदर भी हमारे यहाँ क्योंकि काफ़ी घूमते रहते हैं, बंदर भी गिर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं तो सोच रहा शायद बंदर यहाँ गिरे होंगे तो उसका प्रेशर पड़ा होगा तो ये नट टूट गया होगा। एंड ये नहीं समझ में स्क्रैच क्यों आया। स्क्रैच तो ठीक है, जब कुछ चीज़ भिड़ेगी तभी स्क्रैच आएगा। तो वही यार, तो मैं भी बांदा गया था, जब भैया की शादी पे गया था तो वहाँ पे यमहा शोरूम है, तो वहाँ से मैंने दो ठो नट्स इसके परचेज कर लिए थे, जो कि मेरे को 60 रुपीज़ के पर नट पड़ा था। इतना छोटा सा नट था, मैं आपको दिखा दूँगा क्या कैसा पड़ा। तो उसको भी अपन रिपेयर करेंगे। तो देखो कुछ ऐसा है, एंड पूरा विंडशील्ड इसका टूट चुका है। इस साइड का नहीं कुछ हुआ था, यहाँ से ये टूटा केवल इसी साइड से। मेरे ख्याल से यहाँ से ही प्रेशर ऐसे आया है तो वो एकदम नीचे हो गया, तो उसकी वजह से उसके नट्स टूट गए। तो और कुछ तो नहीं डैमेज हुआ है, बाकी अपनी बाइक सही है। एंड गंदी बहुत है, इसको आज अपन धुलवाएंगे भी, इसको रिपेयर करने के बाद। देखो काफ़ी गंदी हो रखी है, इसको रिपेयर करेंगे। मैं आपको पहले नट दिखा देता हूँ कौन से नट है। तो ये देख सकते हो, ये यामाहा के नट में लेके आया था बांदा से, क्योंकि यहाँ पे यामाहा का शोरूम होने से रहा। तो मैं जब भैया की शादी भी गया था तो वहाँ से मैं नट परचेस कर लाया था। तो नट मेरे को 120 रुपीज़ के पड़ गए थे। एंड और तो उसके जो इसकी केस होती है वो तो सही थी, बस इसके नट बच गए थे। तो नट लेके आ गया था, और तो बाकी सब कुछ ठीक है। स्क्रैच वाला अपन जुगाड़ करेंगे, क्या जुगाड़ कैसे क्या। तो चलो फिर मैं इसको भी इसको अपन फिक्स करते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो पहले अपन को इसकी केस निकालनी पड़ेगी यहाँ से, जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट नट का अंदर लगा हुआ है ये। तो उसको हम इसको सिंपली ऐसे घुमा कर ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये वाला भी नट निकल आया है, देख सकते हो, ये भी नट निकाल दिया है। पहले मेरे को स्क्रू ड्राइवर लेके आना पड़ेगा, ताकि स्क्रू ड्राइवर से ही उसको टाइट करेंगे। तो स्क्रू ड्राइवर तो घर के अंदर रखा हुआ, तो मैं लेके जल्दी से आता हूँ। तो गैस, टेक्निकल इश्यू की वजह से साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो जैसा कि हमारे बाइक में अभी नट्स लग चुके हैं, तो इसको अभी वॉश करानी है अपन को, एंड इसको रिफ्यूलिंग करानी है, क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं है। तो चलते हैं, बहुत कम पेट्रोल इसमें, तो चलते हैं इसमें पहले फ्यूल डलवाते हैं एंड इसमें वॉश भी करवाते हैं। तो पेट्रोल डलवा लेते हैं अपन। तो सामने एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, तो देखो पेट्रोल है नहीं इसमें, चलो डलवा लेते हैं। फ्यूल डल चुका है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो चलते हैं अब घर। मैं बैंक आया था थोड़ी काम से, तो मैं सोचा फ्यूल भी डलवा लेता हूँ। तो चलते हैं अब इसको वॉश करवा देते हैं, देखते हैं वॉश करवाने का टाइम मिलता है कि नहीं। अगर टाइम मिलेगा तो करवाएंगे, नहीं फिर कल करवाएंगे।